पैसे पाए थे 17 सीढ़ी नॉन कुरबानी लेना सी, वो बंदा आया दस के गया भी वर्किंग नहीं कर रही भाई, उन्हें सारे दे सारे सिक्के काटते 17 दे 17 वेज का मतलब सारा ही वेज करता भाई इन्होंने। चेक करेंगे फिर जान देंगे, इतना नहीं कि तुम ज़्यादा समान चेक के लेके जाओ, ये बोर्डिंग पास उत्ते जी स्लिप लगी होंगी और देखेंगे, उस तो बाद ही बैग के नाल मैच करेंगे फिर ही थोड़ा एयरपोर्ट तो बाहर जान दिता जाऊगा। कमेंट लिए भी ये लग नहीं रहा कि तुम वेस्ट अफ्रीका की किसी कंट्री च खड़े हो। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं नवे दिन ते नवी वीडियो दे विच गाना दे विच। 6 रातां बिताने तों बाद 7 दिन हो गए बई, इत्थे कोई खास मतलब इन्नी कोई बहुतियां वीडियो नहीं बनाईआं क्योंकि गाना दे विच ठीक ठाक चीज़ां आईआं घूमन लई, कोई बहुतियां नहीं सेम लगियां चीज़ां हैगियां पर पिछलियां कंट्रियां वर्गियां सेम सीगी हिस्टरी, तां करके यार मैं मतलब बहुता फिर वीडियो बनाई नहीं। तो यह सीगा पिछे बई एक चर्च का एक होटल बनया होया सीगा, काफ़ी वधिया सीगा, द सिविलेशन आर्मी इत्थे रुकिया होया सीगा, उदा होस्टल टाइप सीगा पर असीं पूरा ही रूम लै लिया सीगा यार, इदां ही क्यों रिस्क लैना कोई समान समून ना चोरी हो गया। सो फिलहाल बैग बुक चक के तुर पे अगली कंट्री वाल, एवरी कोट का वीज़ा आ गया सी, एवरी कोस्ट कह सकते हो जिदा कोट की एवरी कहें, तो वीज़ा आ गया सी ई वीज़ा, बाकी एयरपोर्ट पर लगेगा और एमीरेट्स इतों चलती है बी, दुबई तो आँदी इतने रुक के जाती है एवरी कोट, सो एवरी कोट जावे तो उस तो बाद गलबात करा, फिलहाल जा रहे कोटक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एकरा। टैक्सी आ गई है बी, टैक्सी वाले हमेशा इतें ही आके खड़े होंगे, ये साड़ी वैसे बिल्डिंग जिते रुके हुए थे, डिगी है नी बैग वड्या कित्थे रखिए, एमीरेट्स इतों चलती है, एमीरेट्स दुबई तो इतने आँदी है, एकरा एकरा तो जाती है एबीजान, एबीजान तो वापस एकरा आऊगी, एकरा रुक के सवारियां सवूरियां ला के ते लैके फिर दोबारा दुबई जाऊगी। ओ भाई मतलब ता इन्हां दा सीन यार, सवारियां एक शहर नूं पूरियां नहीं मिलदियां ता करके इन्होंने इदां सीन रखा हुआ। चलो चलते हैं, लगभग एक घंटे का फ्लाइट टाइम लिखा टिकट के उत्ते, देख रहे हैं शायद 40 मिनट की 35 मिनट की जिन्ने मिनट की फ्लाइट होंगी, कुछ 400 साढ़े 400 या 500 किलोमीटर दूर आ एकरा तो एबीजान कोट दी एवरी। आ गए एयरपोर्ट के अंदर तो उत्थे बाहर बई मिल गए सी भाजी हनी, उत्थे काफ़ी टाइम तो रहिंदे आ ते अपने पटियाले तो सीगे, गलबात की फिर असी आ गए अंदर, हुण तो हुण एमीरेट्स का चैक इन करते हैं तो देखते हैं की रहिंदा की नहीं, काउंटर पता नहीं कहड़ा यार, अच्छा आ गया एमीरेट्स 787 जिहड़ी कि दुबई तो हले आ रही है, हुणे उतरूगा जहाज़ थोड़ी देर इत्थे रुकूगा तो फिर जाऊगा एबीजान। सो इत्थे चल रहा भी एमीरेट्स का, चलो शुरू होंदा तो फिर चैक इन करते हैं। इतने पैसे पाए थे 17 सीढ़ी नॉन कुरबानी लेना से, वो बंदा आया दस के गया भी वर्किंग नहीं कर रही भाई, उन्हें सारे दे सारे सिक्के काटते 17 दे 17 ले लो, अब आपको सिक्कों का शौक था ना है, निकाल लो लो भाई, ये तो सही है 17 पाओ और 34 लो सब सारे सिक्के काटते, नोट ले ले सिक्के काटते उन्हें, अरे नोट कलेक्शन की मशीन है कि नोट दो सिक्के ले जाओ करके आ गया। बोर्डिंग पास मैं मिल गया एमीरेट्स का, सो एमीरेट्स भाई हमेशा ही बैटर रहती है, मैं दसदा वो बारे थोड़ू जो बार जो टॉप क्लास देखो उदा तुम किसी मर्जी एयरलाइन से फ्लाई कर सकते हो, पर जेकर तुम इदा चाहते हो कि हाँ भी तुम थोड़े पैसे खर्चना चाहते हो और ठीक ठाक सर्विस चाहते हो तो कतर एयरवेज एमीरेट्स, कतर एयरवेज एमीरेट्स से इस तो अलावा इतिहाद में कह सकते हो सिंगापुर एयरलाइन, पर भाई सारिया चो बेस्ट अज भी एमीरेट्स है। आज आप बता सुनो अब बताओ मैं क्या कह रहा था, सो भाई कतर एयरवेज ने मेरे नाल कीता उदा कर दी आ बहुत सारे केसेज आ कतर एयरवेज, लेकिन भाई एमीरेट्स उदों तक नहीं करूगी जो तक बहुत ज़्यादा सख्ताई नाल थोड़ा थोनू इमीग्रेशन ऑफिसर ही ना रोक देवे, तो एमीरेट्स ने अज भी बई रिटर्न टिकट नहीं मंगी, इतने कतर होंगी मंगती, सो इन्हां ने बई अलग ही मैटर। चलो पासपोर्ट तो आ गया, पासपोर्ट कंट्रोल से मैं वीडियो नहीं बना सकता, सो चलो उस तो बाद मिलता थोड़ा। सो फाइनली बई मैं गेट के उत्ते बैठा हुआ और बोर्डिंग पास मेरे हाथ के एमीरेट्स का एक्सपीरियंस मेरा पहला भी बहुत ज़्यादा वधिया रहा और अज भी वधिया रहा, मैं गल कर रहा सी कि 3 एयरलाइन तुसी मान लो सिंगापुर कतर ते एमीरेट्स एक टॉप बेस्ट एयरलाइन है, जेकर तुसी थोड़े पैसे खर्चना चाहते हो और कंफर्ट जर्नी चाहते हो तो मतलब लोग इदा करते हैं भाई है ना, सीधे शब्दों के दसा तो बहुत सारे लोग इदा बई ज़्यादा पैसे जिन्हें खर्चने होंगे वो इन्हां फ्लाइट में ही प्रैफर करता, इतिहाद में भी तुसी उहदे विच रख सकते हो पर ठीक है इतिहाद में।
पर उन्होंने सारिया के मैं बेस्ट इतिहाद मैं एक बार ट्रैवल किया कतर च मैं किया पर कतर दियाँ बहुत सारिया शिकायत मैंने बहुत सारे मैसेज भी आए कि हाँ भाई साढ़े भी सेम इदा किया मैं पहला दस चुकिया कंट्री की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होंगी एमीरेट्स में अगर मैं रशिया गया उदो भी उन्होंने कोई इदा की गल नहीं की जे की तो उन्होंने समझा दो ओके इमीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा सख्त होंगे जो उन्होंने लगता कि बंदा मुड़ के नहीं आऊगा फिर ही वो भाई बहुत ज़्यादा टिकट पर गौर करते हैं इन्होंने बिल्कुल नहीं मंगी हुई मतलब जेकर तुम वाकई पैसे खर्चन जा रहे हो कतर सिंगापुर मैं हले फ्लाई किया नहीं है सो भाई कतर नालों तो प्रैफर तुम एमीरेट्स ही करो क्योंकि लगभग वो सारिया डेस्टिनेशन से कतर तो एमीरेट्स जानी ही जानी लगभग कंट्रीज हाँ जी जिते जाती ना हो फिर वो बारे आप कुछ कह नहीं सकते पर जिते एमीरेट्स से कतर दोनों जाए प्रैफर करो कि एमीरेट्स से आयो मैं भी उदों लगा सोना चाहिए एमीरेट्स ही बुक करनी थी पर पता नहीं क्यों मैं मतलब दूजी कर बैठा वो देखो भी प्लेन कितना छोटा जहा उड़ता हुआ प्लेन इन्ना नेड़े मैं पहली बार देखा उदा देखा वैसे तो मेरा घर भी वो नेड़े पर इदा मतलब बिल्कुल साइड तो इदा क्लीयर उतरता हुआ देखिए भी ज़्यादातर यही रनवे इतने फ्लाइटा उतर रही और इतों ही सारिया चढ़ रही है जिम्मे अपने सैमसंग की लगी होंगी इतने एल जी वगैरह की लगी हुई है ये गेट आ इस गेट के उत्तों साड़ी फ्लाइट आ पांच नंबर गेट तो और छोटा जहा ड्यूटी फ्री सगा इन्हों का बहुत व्डा नहीं सिक्योरिटी के नेड़े ही तो आ बाकी इधर थोड़ा बहुत ड्यूटी फ्री आ गया चलो तैयारी है हूँ फ्लाइट लगभग मैं लगता नहीं कि बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी एक घंटे का टाइम ही लिखा कोई 40-45 मिनट की हो सकती है हूँ तुम इंजॉय करो थोड़िया जी फ्लाइटा के शॉर्ट्स क्योंकि मैं बिल्कुल ये बैठा हुआ और इतने फ्लाइटा वगैरह आनगियाँ जहाज उतरने और सोहने सोहने शॉर्ट लाऊंगा और विद म्यूजिक तुम इंजॉय करो ये जावे हम इस गेट से लगेगी ये दुबई तो आई है हूँ ये चो सवार उतरनगियाँ इतने इस तो बाद इतों लोड हो जिन्होंने एबिज जान जाना इतों तो जे दुबई तो आए एबिज जान जाना वह भी फिर दोबारा एबिज जान तो वापस आऊगी इतने एबिज जान तो सवार चक के एकरा उतारूगी और एबिज जान तो लोड करके लैके आऊगी जिन्होंने दुबई जाना और इतों लोड करूगी एकरा तो और फिर जाऊगी यह दुबई बोइंग 777 एक चीज़ मैं थोड़ा होर दसनी सी इतने भी सिक्योरिटी वाले ने मैंने पूछा कि तू कड़ा उतार सकना आपका मैं क्या चलो देखते हैं मैं क्या नहीं तो कहता ओके सर जाओ फिर जो मैं अगे आया उन्हें मेरा चैक किया उन्हें भाई मेरी मतलब परने हाथ लाने तो पहले पूछा कि भाई मैं टच कर सकता कहना टच मैं क्या ओके कोई चक्कर नहीं भाई वह काम पर ज़्यादा धार्मिक देशों के लिए सीन हों कि भाई वो कड़ा भी लगाते हैं और सीधा ही लग पाने मतलब पुछता पछता कोई नहीं है कि मैं करा या टच या ना करा ये चीज़ मैं देखी और रशिया के भाई जिनी बार भी उन्हें टच किया उन्हें मैंने पूछा यूक्रेन भी एयरपोर्ट उन्हें टच किया तो उन्हें पूछा भी कहना टच भाई ठीक है कई देशों का सिस्टम तो बहुत वधिया और ज़्यादातर धार्मिक देश है ना जो आपके धर्म उत्ते रखते हैं दूजे की मतलब इज्जत घट ही करते चीज़ मैं देखी है खाना है देखते इन्हों को कुछ वैजीटेरियन होंगे कि नहीं मेरे हिसाब से तो औखा ही लगता नहीं तो कोई कॉफी वॉफी पी लेंगे कुछ देखते हैं जो सीढ़ी जो बचे उन्होंने कोई काम नहीं है सारे इतने खर्च करके जावे लैके आ गया मैं उन्होंने तो सैंडविच मिले एक होर तो कुछ मिले नहीं है तो सवार मैंने लगता सारिया उतर गई और अच्छा क्रू मैंबर चढ़ रहा मैं भाई चढ़न भी लग गई क्रू मैंबर चढ़ रहा बई फिर थोड़ी देर बाद अच्छा जो आए हुए क्रू मैंबर मैं लगता कल जाने भाई इतने रेस्ट करने क्योंकि लंबी फ्लाइट होगी 7-8 घंटे की फ्लाइट होगी दुबई तो एक कैचअप मंग के लिए इदा का सैंडविच है कुछ बहुत ज्यादा डूंगा रखा हुआ वेज का मतलब सारा ही वेज करता बी मैं चीज़ तो अलावा कुछ भी नहीं एक टमाटर रखता एक पत्ता जहा रखता बस वेज का मतलब बस यही है कॉफ़ी भी लै ली मेरे को 14 सीढ़ी बचे सके मैं क्या बचा के की करांगे बाद चेंज ही कराने पैणगे सो ये लै ली 16 सीढ़ी मैं कार्ड तो पे करते मतलब 14 बच खर्च करने के चक्कर 16 वैसे मैं ज़्यादा ही खर्च करके आया अकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट टाइम लगभग पूरा ही हो गया मैंने लगता 12:50 का टाइम और 12:50 तो चल पूगी चलो मैं फ्लाइट के पर मैं यार रखने की जगह नहीं मिली क्योंकि ऑलरेडी ना इन सीटों के उत्ते क्रू का समान पिया हुआ दूर मैं रखा नहीं गा इतने रख लिया जब तक कोई क्रू आऊगा तो रख दूंगा भी थोड़ी जी पीड़ हो जाती है चढ़ते टाइम ये मेरी सीट छत्ती है विंडो सीट ये व्यू फिर भी थोड़ा ठीक रहा कुछ इन्हों का एंटरटेनमेंट सिस्टम भाई इन्हों का बहुत वधिया होंगे इतने देखा कि इतने पंजाबी मूवीज वगैरह है कि नहीं है सिलेक्ट योर लैंग्वेज मैं इतने थले ही रख लिया बई ये कंबल हैवी है बई कीनी एयरवेज वाला थोड़ा जहा मतलब वो सीगा
बाकी 40 मिनट की फ्लाइट होगी मैं लगता है जो 272 माइल मतलब 500 किलोमीटर मान लो तुम मोटा मोटा। तो आप एंटरटेनमेंट सिस्टम देख रहे थे इन्हों का किधर गया भाई, अरे यार ये मैं लगता सारा चलता ही ये तो होगा टच हो रहा कि नहीं हो रहा, मैं भी होना तो चाहिए यार। पंजाबी जी ने मेरा दिल लुटा केड़ी है, जिन्ने जमे सारे निकमे आ पंजाबी फुफड़ जी, ये सारिया मूविया इतने पईया हुई लगभग आ फुआड़ा पई हुई है बहुत सारिया मिलनिया तुम्हें पंजाबी भी बन मतलब कि इतने हम इंडिया नाल कोई लैन देन नहीं है इन्हों ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहेगा एंटरटेनमेंट सिस्टम। ये चीज़ मैंने काफ़ी वधिया लगती है, मैं इतिहास देख रहा इतिहास के नहीं सी पंजाबी मूवीज होंगे बहुत एयरलाइन के लगभग सेम होंगे कि जो उन्होंने जितने कई एयरलाइन का इदा हों भी जिते वो फ्लाई कर रही है उतों के हिसाब से सैट किया हों, कई एयरलाइना का सेम हों पर ऑप्शन घट होंगे, ये ऑप्शन भी बहुत ज्यादा और सेम आ जिते मर्जी फ्लाई कर रहे हो तुम मतलब कोई चीज़ तुम देख रहे हो थोड़ी कोई मूवी या कुछ रह गया तो तुम अगली फ्लाइट के कंटिन्यू कर सकते हो। जेकर थोड़े को ई वीज़ा आया तो थोड़ा बाय एयर भी जाना पड़ेगा और एयरपोर्ट में उतरने स्टिकर भी जाना पड़ेगा, जेकर इंडिया तो स्टिकर वीज़ा पहले लेके आ जाएंगे फिर बाय रोड भी जा सकते। टाइम एंड डेस्टिनेशन 42 मिनट एक बजे का पूरा 43 के मतलब पहुंचने का दस रही है, बाकी मतलब इन एयर किन्नी लेंथी है फ्लाइट ये तो इन्नी छोटी फ्लाइट के मैं वैसे बैठा दिल्ली तो चंडीगढ़ पर वो ना स्क्रीन नहीं होती तो पता नहीं लगता कि जहाज किन्नी ऊंचाई से जाएगा, तो यह भी देखना कि भाई इन्नी छोटी फ्लाइट के जहाज जड़ा और यह है भी बहुत वाला प्लेन है मतलब बोइंग 777 किन्नी ऊंचाई तक जाता है, ये चीज़ जानने के मैं बहुत ज़्यादा इंटरस्टिड हाँ। काफ़ी साफ सुथरा तो खैर होना ही होना, इतने सारिया भाषावान लिखा गया इंग्लिश इतने हिंदी अरेबिक होगी बाकी होर लैंग्वेज वगैरह उर्दू या उर्दू होगी शायद, तो देख सकते हो काफ़ी खुला डुला भी काफ़ी है जी। तो मैं वॉशरूम गया से जिदा ही आया तो सारा कुछ ही फटा गया, पता नहीं यार वेज या नॉन वेज मैंने पता नहीं, आई डोंट नो मे बी नॉन वेजीटेरियन होगा सो मैं तो शायद खाऊंगा नहीं पता नहीं, ये तो सारा कुछ मैं खा लूंगा ये जूस आ गया। तो देखो इन्नी छोटी फ्लाइट के भी काफ़ी सेवा पानी करते हैं भाई, ये चाय की मैं गल करा तो मेरे सामने 24,000 से आगे रोक देने 24,398 मतलब 24,398 इतने जी रुकया हो इस तो अगे वध नहीं रही मतलब आपका 40-42-43,000 फुट तक जी चली जाती होंगी उतों तक मेरे हिसाब से नहीं लेके जाएंगे क्योंकि देखो ऑलमोस्ट अद्धी फ्लाइट आ गई है पहले मतलब फ्लाइट चढ़ी चढ़ते सर जो सीट बेल्ट का साइन ऑफ हो मैं वॉशरूम गया वॉशरूम तो आया तो खाना पिया खाना हाले खोलिया भी नहीं उदा अनाउंसमेंट भी करती उन्हें कि अभी जान का टेंपरेचर ये सारा कुछ है जिदा भी आ लैंडिंग लिए थोड़ी देर तक जाऊँगी और 24,000 तो उत्ते फ्लाइट मतलब नहीं गई 24,001-2 तक गई 23,998 तक की फ्लाइट का जरा ऊंचाई है वो रुकी हुई है, टिकट कटना शुरू हो गया 22,000 से आ गया मतलब उतरना स्टार्ट हो गई 20 मिनट रह गए बहुत ही छोटी फ्लाइट सी गई और इस वे प्लेन लिए तो यह बहुत ही ज़्यादा छोटी पेगी।
हो गए एबिजान, एबिजान एवरी कोस्ट कह सकते हो, कोर्ट भी एवरी कह सकते हो क्योंकि फ्रेंच कंट्री है, फ्रेंच का राज रहा इतने बोली जाने की भाषा भी फ्रेंच है, करके कोर्ट की एवरी ये कहते हैं, एवरी कोर्ट कह लो। सो लैंड हो चुके हैं और इतने आप लवेंगे वीजा ऑन अराइवल, पर वीजा ऑन अराइवल होने तो पहले थोड़े को एक ई वीज़ा टाइप का पेपर होना चाहिए, मतलब ई वीज़ा ही कह लो तुम, तो जिदे कि मैं दिते 73 यूरो। जी हाँ, इतने यूरो च ही यूज़ करेंगे, डॉलर वगैरह इतने मतलब घट करते हैं, पहले जो तुम डॉलर चेंज नहीं करवाने ना, पहले डॉलर तो यूरो च करवाने पैणगे, यूरो तो बाद फिर तुम इतों की लोकल करेंसी मिलेगी। वैसे सीफा यूज़ करते हैं, 7-8 कंट्रियों के भी यूज़ होंगे, मतलब होर माली वगैरह के, होर मेरे को ऑलरेडी 50,000 सीफा पाए हुए हैं। कोई वारी आ गई हम उतरन की, चलो पहुँच गए हैं एबिजान, हम चल के लेने वीजा। ये भाई बिजनेस क्लास है इन्हों की, काफ़ी वाली है, करेंगे किस दिन ये भी ट्रैवल। मैं कंपेयर कर रहा बई इन्होंने एयरलाइन ना कोई बंदा ट्रैवल कर रहा चाहे जिदा का मर्जी होगा, क्योंकि बई हर बंदा ट्रैवल करता है ना एयरलाइन के, बई हरेक न हस के मिलने, लेकिन मैं ये नोट की साड़िया एयरलाइन या छोटी एयरलाइनस वो इन्होंने बंदे थोड़ा जज कर रही हैं कपड़े पर, वो सारा कुछ देख के फिर ही बुला, ये चीज़ मैं देखी आ खासकर साड़िया इंडियन एयरलाइन, उन्होंने सीखना चाहिए जो वीडी एयरलाइन बनना, ईवन इंडिया की विस्तारा भी इदा करती है बई। चलो हम चलते हैं, पहला वीजा लेना पैना, उस तो बाद फिर इमीग्रेशन पर जाऊंगे। भाई फाइनली मैं आ गया, तो हूँ मैं पता नहीं बेल्ट उधर आ शायद उत्थे आऊगी, तो एक चीज़ का ध्यान रखियो मेरे नाम का हमेशा पंगा पैंदा, क्योंकि मेरा नाम फस्ट नेम नवदीप सिंह आ, लास्ट नेम खाली आ, या तो आपका सिंह तुम लास्ट नेम चलवा लो, या आपका जो थोड़ा गोट आ जरूर लवा लो, क्योंकि पंगा भाई मेरे नाल हमेशा पिया, और अज भी आने वाली भी उन्होंने वैसे पुलिस ऑफिसर कहें कि मेरा सिस्टम नहीं चक रहा, हम दसो कहीं मैं कि करा। सो भाई फिर बड़ी मुश्किल नाल जिहड़ा उत्थों मतलब मैनू करवाना पिया, चलो उन्हें एड ओके किया, हूँ इतने आके फिर बी मैं लगभग 20 मिनट लग गए, सारे निकल गए थे, क्योंकि वो बई पुछन गया, वो कहता यार किदा करा सिस्टम नहीं चकते बई, इन्ह के सरनेम पाना जरूरी होंगे, सो यही प्रॉब्लम है इंडिया। खैर स्टिकर वीजा चिपक गया, इमीग्रेशन हो गया, और हूँ लवेंगे बैग, उस तो बाद चलेंगे बाहर एबिजान सिटी के, शायद उस बैल्ट से आया बई समान उधर जाना पैना, पुलिस वाले भी वीडियो तो रोक ही देंगे। एक एस बैल्ट से समान आ गया, सेम फ्लाइट देखो EK 787, और उस बैल्ट से भी सेम फ्लाइट का समान आ रहा, क्योंकि फ्लाइट वड्डी और बहुत सारा समान, तो क्योंकि दो जगह तो रोक के ही आ गई बई, मतलब दुबई तो प्लस एबिजान तो इतने आ गई है, सॉरी एकरा तो, हम पता नहीं यार उन्हें इतने साड़ा समान आऊगा कि वह आऊगा, दोनों से नज़र रखनी पै रही है। फाइनली बैग बूग अपना आ गया, हम इतने मेरे पिछे ना इतने चैक कर रहे हैं, चैक करे फिर जान देने, इदा नहीं कि तुम आपका समान चैक के लैके जाओ, ये बोर्डिंग पास उत्ते जी स्लिप लगी हुई देखेंगे, उस तो बाद ही बैग के नाल मैच करेंगे, फिर ही थोड़ू एयरपोर्ट तो बाहर जान दिता जाऊगा। ये देखो इतने चैकिंग वगैरह सारी चल रही है, इदा ही किसी देश पहुँच जाने, आप पहुँच गए हैं, सामने आया बर्गर किंग, और सब तो पहला जी सिम लैनी है सामने, बी की आदि एड भी ला रखी है इन्होंने, सब तो पहले सिम काउंट लगी सिम लैनी है, तो उस तो बाद फिर टैक्सी टुक्सी का देख रहे की सीन है, फिर चलेंगे आपके होटल। भारा हो गया समान मेरा ना, तो वेच रहे सिम ऑरेंज की सिम, कहते वधिया आँदी है, वाले पुछते हैं किन्ने दी आ, क्या है ये डस्टबिन नहीं है, कहीं आप डालो और आगे उसके काउंटर पे चला जाए, वो कहे ये क्या हो गया। ननपुर भाई ने 3.5 GB दिता, मैंने दिता 4 GB भाई ने, पैसे सेम ही है, बस मेरे बोनस एक 1 GB मिला, ननपुर भाई 512 मिला, तो कैसा लग रहा आपको? ये प्रोसेसर मेरे का ऐसा है ना कंज्यूम नहीं करेगा। अरे नहीं वो कह रहा है जिसका बड़ा फोन उसको ज्यादा डाटा। 8,000 20,000 आई गिव यू, यू गिव मी 8,000, 6,000 दी सिम, हां 6612 आ गए एयरपोर्ट तो बाहर, ओ खड़ी शायद स्विफ्ट डिजायर जड़ी बुक की थी, ऊबर चल दी इथे, ते एक यंगो आ जड़ी पिछली कंट्री चलती सी गाना चो, इतने भी चलती है शायद, यही तो नहीं पता नहीं। फाइनली एयरपोर्ट तो बाहर आ गए हैं, बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है पर ठीक है। एवरी कोर्ट का झंडा जिहड़ा कि बिल्कुल ही आयरलैंड का झंडा कॉपी है, मतलब इन जो ऐ करोगे तुसी तो बिल्कुल आयरलैंड का झंडा बन जूगा, मतलब आयरलैंड के विच ऑरेंज कलर इधर तो हरा इधर चिट्टा विचाले ही, मतलब झंडे को जब इदा पुट्ठा किसी ने फड़ लिया तो आयरलैंड का हो जाऊगा, आयरलैंड के झंडे को पुट्ठा फड़ लिया तो एवरी कोर्ट का हो जाऊगा, तो इंडिया का झंडा भी इदा ही है कुछ, इन जो इदा कर दोगे खड़ा कर दोगे तो यह इंडिया का झंडा बन जूगा, पर विचाले अशोक चक्कर जरूरी है। कमेंट लिए भी यह लग नहीं रहा कि तुम वैसट अफ्रीका की किसी कंट्री च खड़े हो या अफ्रीका की भी इदा, बिल्कुल इदा यूरोप की ही कोई कंट्री लग रही है बिल्कुल, है ना सिस्टम सारा उदा ही है, क्योंकि यार फ्रांस का ही गुलाम रहा, फ्रांस छड़ के गया,
ਉਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ। ਆ ਗਈ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆ ਬਾਈ ਦੀ, ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਸਿਆਜ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਗੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸੋ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਜਾਂ ਯਾਂਗੋ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਂਗੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗਿਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਏ ਬਈ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਨੰਬਰ 20 ਐਵਰੀ ਕੋਸਟ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰਾਮਾ ਜੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ।